हेलो नमस्ते सत श्री अकाल की हालचाल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप ये चैनल बहुत दिनों बाद देख रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिया था यूट्यूब से, क्योंकि कंटिन्यू डेली व्लॉगिंग करने के बाद फिर एक छोटा सा गैप देना बहुत ज़रूरी है कि यार सेम टू सेम कंटेंट ना देखने मिले ऑडियंस को। और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नया से नया कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए, बहुत सारे प्लान अप करके रखे हुए हैं। पर सबसे पहले तो गाइस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी आप ये वीडियो कल देखेंगे तो बिलेटेड हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। तो आज का वीडियो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाना है मेरे को मार्केट में कुछ सामान वामान लेना, उसके बाद बाकी जो भी आप लोग में देख लेंगे। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा के दीजिए, साथ में बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नीचे प्यारे प्यारे अपने कमेंट जरूर देना, थक गए इतना साहस एक साथ बोलते बोलते, नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना, बताना आपको वीडियो का पार्ट कौन सा पार्ट अच्छा लगा कौन सा बुरा लगा, ताकि मैं और नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना कर सकूँ। तो मिलते हैं गाइस फटाफट, अभी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट से सारा सामान वामान ले लिया और मैं अभी जस्ट घर ही पहुँचाऊँगा, अभी अंदर जाते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है, फिर उसके बाद जाना है एक काम के लिए। आपको बताते हैं कौन से काम के लिए जाना है। ये वाले जो नूडल्स है वो मैंने लिए हैं यहाँ के हिसाब से 40 रुपये एंडी है, इंडिया के हिसाब से 120 रुपये में 16 पैकेट नूडल्स हैं। बहुत चीप है यार, बहुत चीप, मतलब बहुत सस्ते के पड़े हैं नूडल्स। वैक्सीनेशन हमारा हो गया है डन, मेरा और बबीता का दोनों का हो गया वैक्सीनेशन। अभी हम लोग वहाँ पे एक स्लिप मिलेगा उसका वेट करने वाले हैं। दिवाली वाले दिन हम लोग को वैक्सीनेशन लगाए हैं और अभी ढाई घंटे हो गए हम लोग को यहाँ पे वेट करते करते, अभी जाके हमारा नंबर आया था। सो पहला डोज हमारा अभी लगा है, मेरे ख्याल से अभी जो दूसरा डोज है वो 60 डेज बाद के, मतलब 2 महीने के बाद लगेगा हम लोग को। सो फाइनली हम लोग को वैक्सीन लग गई है अभी, अभी मेरे को बड़ी भूख लग रही है बाबू। सुबह से नाश्ता किया, 11:30 बज गए, 8:30 बजे से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। पहले तो पानी पीते हैं, प्यास लगी है। तो हमारा दिवाली स्पेशल लंच बन के रेडी है। लंच में ये बेचारी थकी थकी सी लग रही है, देखो ना 3-4 घंटा उधर बैठ के आई। तो हमारा बैठे और आते ही सीधा खाना बनाना, और इसको एकदम चा मस्ती, क्या मस्ती, चा दिल चुल, मतलब यार कुछ स्पेशल त्योहार है। अभी मैं पंजाबी हूँ तो मेरा छोले खाने का तो मन होता ही होता है कि छोले बनने ही चाहिए, कोई भी कोई स्पेशल त्यौहार भी ऐसा भी बना लेते, करवा चौथ पे भी बनाए थे अभी थोड़े दिन पहले, जो छोले खाने का मन क्या करे करता रहता है। सो लंच में आज हम लोग ने बनाए छोले और टर्किश नान। इतना पड़ता है टर्किश नान को ना काफ़ी टाइम, आज हम लोग ने जल्दबाजी में एटलीस्ट 2 घंटा गूंद के आटे को रखना पड़ता है, आज हम लोग जल्दबाजी में फटाफट से बना दिए क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भूख, जल्दबाजी में फटाफट से बना लिया। अरे बहुत भूख लगी थी यार। तो अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ मेरी क्लास लेने के लिए, टाइम हो गया है 4:15। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है मेरे घर के बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो इतनी आवाज आती है तो घर पे व्लॉगिंग नहीं कर पाते। अभी मेरी तबीयत तो ठीक है बट बबीता की तबीयत वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी सी ख़राब हुई है, उसके मतलब उसका बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा सा फीवर वगैरह उसको लग रहा है, सो वो भी घर पर रेस्ट कर रही है। देखते हैं शाम को थोड़ी तबीयत वगैरह बिगड़ी तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे एक बार, नहीं तो कोई दवाई दे देंगे फीवर या बॉडी पेन की। तो गाइस क्लासेस वासेस लेके मैं अभी जस्ट घर पे थोड़ी देर पहले आ गया हूँ और मैं अभी रेडी वेडी हो गया एकदम, क्योंकि मेरे को जाना है अभी शूट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो जुम्बा की टीम और योगा की टीम दोनों का शूट करवाने वाला फोटोशूट अपने पेज पे अपलोड करने के लिए। सो अभी बस उसी के लिए निकल रहा हूँ। अभी दिवाली तो हम लोग ने अभी खास कुछ मनाई नहीं है, मेरा मन था कि घर पर आके साफ़ सफ़ाई करने के बाद फिर पूजा वगैरह करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक पूजा नहीं कर पाए हम लोग। ट्राई करूँगा मैं घर पे आने के बाद थोड़ा सा साफ सफाई करने के बाद पूजा कर लूँ, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि सुबह से घूम रहे, फिर वैक्सीनेशन लगाई, उसके बाद थोड़ा बबीता को वीक सा फील हो रहा था तो रेस्ट वेस्ट किया, फिर उसके बाद क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई। अभी जस्ट जा रहा हूँ फोटोशूट करने के लिए, अभी पता नहीं वहाँ से कितने बजे फ्री होता हूँ। सो फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसे ही मनाते हैं इंडियन त्यौहार, अभी तक कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। पिछले लास्ट टाइम हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बट वो टाइम पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी तो व्लॉग नहीं बनाया था। तो चलो चलते हैं, पहले फोटोशूट करते हैं, फिर उसके बाद आपको बात कर बाकी का अपडेट देते हैं।
पुनः होने आएगा इस पर, अभी भी शूट हमारा चल रहा है, तो देखते हैं कब फ्री होते हैं और कब घर जाते हैं। प्लीज भाई थोड़ी देर चुप कर जाइए। सो अभी हम लोग आए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सत्यम के घर। सो इन्होंने देखो कैसे अच्छा सा डेकोरेशन करके रखा हुआ, बाहर दिए भी लगाए हैं, यहाँ पे दिए लगाए हम लोग को, तो घर पे आज लगाने का टाइम मिला नहीं। सो अभी हम लोग आए यहाँ पे जलाएंगे दिए। हमारे पास छुरछुरी भी है, छुरछुरी भी है हमारे पास, फुलझड़ी। Happy Diwali to all of you. Happy Diwali. Happy Diwali. Aap sabko.